एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों से मेरा कोई भी वीडियो नहीं बन पा रहा है, तो मैं आज एक एक्ट करने जा रही हूँ जिसमें साथ देंगे मेरे बच्चे। और इस एक्ट के द्वारा मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हमें किसी पर भी जल्दी से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और अपनी पर्सनल चीज़ें, पर्सनल बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए। तो देखिए आप इस एक्ट। ट्रिन ट्रिन, किसकी कॉल है ये? हेलो हेलो, हाँ जी कौन? हेलो बेटा, आप कॉन्फ्यूज बोल रहे हो बेटा? हाँ बेटा, मैं आपकी मौसी बोल रही हूँ, मम्मी से बात कराओ। ओ मौसी जी नमस्ते। बेटा अपनी मम्मी से बात कराओ। मम्मी तो घर पे है नहीं क्योंकि मम्मी 2-3 दिन के लिए कहीं गई हुई है। अच्छा, 2-3 दिन के लिए कहीं गई हुई है। हाँ। तो बेटा मुझे आपसे, तो फिर आपसे मैं बोल देती हूँ, बात करनी थी मुझे आपसे। हाँ? वो परी को जानते हो ना आप? हाँ जानता हूँ। हाँ, परी, परी का ना एग्जाम मुंबई में पड़ा हुआ है, तो मुंबई में और तो कोई रहता नहीं है, सिर्फ आप ही को जानते हैं हम लोग। तो मैं सोच रही थी उसको भेज देती हूँ मैं, तो आप उसका एग्जाम दिलवा दोगे? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इधर मुंबई में उसका सेंटर पड़ रहा है तो एग्जाम दिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम बहुत दिनों से मिले भी नहीं थे, बातें भी हो जाएंगी, खेल भी लेंगे। हाँ बेटा, आ मेरी भेज मेरी ना दो। बहुत बड़ी टेंशन हो रही थी मुझे, कैसे एग्ज़ाम देगी, कौन उसके साथ जाएगा, वहाँ कोई रहता भी नहीं है, कैसे अकेले वो करेगी, कहाँ रहेगी। तो ये अच्छा रहेगा, मैं आपके पास भेज देती हूँ उसको, आप उसका ध्यान रखना और उसको एग्ज़ाम दिलवा देना, ठीक है? ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप उसको पूछ तो है कौन है। अरे परी तुम आ गई? हाँ। ओ बड़े दिनों बाद मिली हो। मौसी का कॉल आया था कि तुम आने वाली, तुम्हारा मुंबई में सेंटर पड़ रहा है, आपको एग्जाम देने थे। हाँ हाँ, तो बात किस तेरी, जल्दी अंदर चलो। तो लीजिए पानी, मैं अभी आता हूँ। अरे कौन आया है अब? कौन? अरे बेटा परी आई है, और परी ठीक हो तुम? हाँ। मम्मी नहीं आई साथ में आपके? मम्मी नहीं, बेटा ठीक हो? अच्छा हाँ, पियूष फोन आया था मौसी का क्या? हाँ मौसी का फोन आया था क्योंकि इसका मुंबई में सेंटर पड़ रहा है एग्जाम का। अच्छा हाँ, तो मौसी घर पे आई है, वैसे तो कभी आती नहीं, चलो एग्जाम के बहाने आई तो सही। बेटा कौन सा एग्जाम है, कब कब का एग्जाम आपका? कल का है मेरा एग्जाम, इंग्लिश का। अच्छा इंग्लिश का, और तैयारी ठीक से कर रखी है? ठीक हाँ। है, और यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो चीज चाहिए ना पियूष को बोलना, पियूष ला के देगा। कुछ नहीं बेटा, ये ना घर में शादी थी ना, सारी चीजें ना ऐसी बिखरी पड़ी थी, तो मैं सोचा इसको एक बार देख के इसको ठीक से रख दूं करके, तो वही सेट कर रही हूँ मैं, सब फैला हुआ पड़ा है, मैं देख रही थी ऐसे। तो शादी में ना ऐसे ही घर में शादी थी, तो सब सामान ऐसे ही फैला पड़ा था, तो मैं सोचा क्यों ना इसको ठीक रख लूं मैं। पढ़ाई कर लो और
कहते हैं किचन में मैंने खाना बना के रखा हुआ है, आपको अगर भूख लगती है कुछ चाहिए हो तो निकाल के खा लेना और आप पढ़ाई कर लेना, और आराम करना हो तो आराम कर लेना। और मैं जा रही हूँ मार्केट थोड़ा, फिर उसको लेके जा रही हूँ मैं, तो घर में आप अकेले हो, ध्यान रखना अपना, और किसी के लिए भी ऐसे अनजान किसी के लिए गेट मत खोलना, ठीक है? बस हमें एक घंटा लगेगा आने में, आ जाएगी। चलो प्लीज। अब तो मैं मौसी के सारे ज्वेलर्स चुरा लूंगी। नहीं, ये तो मेरी मौसी है, मैं ज्वेलर्स नहीं चुराऊंगी। नहीं, अभी तो मौसी मार्केट गई हुई है, चुरा लेती हूँ। अरे घर में तो कोई भी नहीं, मैं पहले यहीं बैठ के पढ़ रही थी, पर बाहर भी नहीं है, गेट भी खुला हुआ था, गेट भी खुला हुआ है। यूज़ ज्वेलरी वगैरह सब गायब हो गई यहाँ से। ओह नो, ये ताला भी खुला पड़ा है इसका। ओह शिट मम्मी, अब चोरी यार, बताओ सब कुछ चोरी ले गई यहाँ से, गलती हमारी थी, हमें ऐसे किसी के पास नहीं जाना चाहिए। देखा आपने हमारा एक्ट, तो बताइए कैसा लगा हमारा एक्ट आपको। तो इस एक्ट के द्वारा मैं सिर्फ बस यही सुनना चाहती हूँ आपको कि हमें किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी इतना अच्छा नहीं होता है, किसी के भी मन में इस तरह से देखकर लालच आ सकता है। तो आपने देखा इसमें उसकी खुद की मौसी की लड़की को कहने के लिए, मौसी की लड़की थी तो अपने बच्चे जैसी थी, लेकिन फिर भी उसके मन में उन चीज़ों को देख कर, ज्वेलरी को देख कर उनके मन में लालच आ गया और उसने ये सब काम कर डाला। तो अपनी पर्सनल चीज़ों को अपनी पर्सनल सबसे गुप्त रखना चाहिए, तो ऐसे किसी के साथ भी शेयर ना करें, और इससे नहीं तो आगे आपको बहुत ही मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो ये तो हमारा एक्ट था, तो इसके द्वारा सब कुछ था नहीं, ये छोटा सा एक्ट था जिसके द्वारा मैंने अपने बच्चों को भी समझाना चाहा कि बच्चे भी थोड़ा कुछ सीख जाएँ, तो और बाकी और हमारे जो व्यूअर्स होंगे वो भी इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो आगे भी मैं ऐसे एक्ट लाती रहूँगी, तो आप बताइए आप क्या देखना चाहते हैं, तो मुझे बताइए, मैं उस तरह के एक्ट बनाऊँ। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट भी करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। बेल आइकन भी दबा देना। बाय 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 बाय। तो बाय बाय ऑल।